स्वागत है आपके अपने छोटे से YouTube फैमिली अग्लैंस ऑन पहाड़ पर। तो कैसे हैं आप सभी? होप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो दोस्तों, आज की अपडेट कुछ ऐसी है। आजकल बेनाक पे रामला चल रही है और हम लोग जा रहे हैं रामला पे, मैं और मेरा ब्रो। तो आज की रामला एकदम अतरंगी टाइप की होने वाली है, बिकॉज आज ना सूर्पनखा की नाक कटने वाली है। सो बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और आप लोग पूरा व्लॉग ज़रूर वॉच कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा इस व्लॉग में। तो चलते बढ़ते हैं। तो हम निकल चुके हैं। तो दोस्तों, हम पहुंच गए रामला पे। लोग देखिए बहुत ज्यादा भीड़ आज लगी है, बैठने की भी जगह नहीं मिलती बताने। देखिए गाइस, कितने ज्यादा लोग हैं आज रामला पे। ये देख के बहुत ज्यादा मजा आ गया, लोगों की काफी भीड़ है और यहाँ पे चेयर भी फुल हो रखी है पीछे और कुछ लोग आगे बैठे हैं। और मतलब इतने ज्यादा लोग देख के ना एकदम बहुत ही मजा आ गया। बाय गॉड, बैठ जाऊंगी नीचे। लेकिन सुन, अब ये रामाकुल नमक धराम बहुत देर लगा रहे हैं। देख तो मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। कुछ ऋषि मुनि या जानवरों के अंतर्यान नहीं बची है क्या? वाह वाह, अरे ओ कच्चा को, महारानी कितने दिन पुराने हैं? ज्यादा दिन नहीं महारानी, चार पांच दिन ही पुराने हैं। चार पांच दिन? ले क्या क्या मुनि, जैसे हम सबका पाप है। ओ माय गॉड, दोनों आप बंद कर दे। महारानी, ये लो ऋषि कुमार। अब मैं इन्हें अपनी बैठने के लिए भी जगह नहीं हो रही आज। पहले संबोधित करूंगी। यहाँ रस्ते भर में भी बैठ गए और इनका गरम गरम मांस चट कर जाऊंगी। अरे ओ नमक धराम, अभी तभी मेरे इनाम में मैसेज आया है कि पंचवटी में, हमारे पंचवटी में ना दो तपस्वी आए हैं बालक। पंचवटी में? हाँ, दो तपस्वी और उनके साथ एक नारी भी है। नारी भी है से एक सुंदर रूप धारण करूंगी और इन तपस्वी कुमारों के साथ ब्याह रचाऊंगी।
पंचवटी में राम सीता और लक्ष्मण बैठे हुए हैं। अब उनको रिझाने के लिए आएगी सुपर्णखा। मैं उनको मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ, जो ही वो मंच पर आए एक बार तालियों से इतनी जोर की तालियां बजाए कि घर में उनकी हमारी जो भाभी है उनको भी आपके तालियों की आवाज सुनाई दे। भूमिका निभा रहे हैं अपना परिचय देने की कृपा करें।
मैं लंका पति रावण की बहन शूर्पनखा हूँ, शूर्पनखा। सुंदरता तो आप मेरी देख ही हैं, तीनों लोगों में अकेली हूँ। यद्यपि अनेक राजकुमारों की मुझ पर नजर है, किंतु मैंने किसी को भी अपने योग्य न समझा। मैंने पाया I'm not afraid.
प्रेरणा लेनी चाहिए, जैसे गर्व होने के कारण उसको अपनी नाक कटानी पड़ी और कटी हुई नाक लेकर के दूसरे दृश्य में सुपर्ण था अपने भाई खर दूषण के पास जाती है और खर दूषण क्या कहते हैं राम लक्ष्मण के पास अपनी सेना लेकर के आ रहे हैं, वह दृश्य आप लोगों के सामने दिखाया जाएगा। अरे दिखता है तुम्हारे मुस्कान, तुम्हारे दीदी दीदी ये दशा हो गई। Yeah.
किस का पद करवाती है ये चौथा कुर्सी आप लोगों के सामने दिखाया करो अतरंगी रामलीला, अतरंगी थी वैसे ना।
तो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को पहुँच सके। तो मिलती हूँ एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।